दोस्तों कैसे हैं आप सभी। आज की इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं द वॉकिंग डेड सीजन 3 को। एंड अगर आपने सीजन 1 और 2 की वीडियो नहीं देखी तो प्लीज पहले उसे जाकर देख लें, तभी ये वीडियो पूरी आपको समझ में आएगी। और अब बात कर लेते हैं सीजन 3 की। तो सीजन 3 में टोटल 16 एपिसोड्स हैं 40 से 50 मिनट के। और इस वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया है एपिसोड नंबर 1, 2, 3 एंड 4 को। एंड इस सीरीज से जुड़ी सारी इन्फॉर्मेशन मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप वहां पर जाकर पढ़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों एक्सप्लेन करते हैं इस मास्टरपीस को हिंदी में। दोस्तों कहानी स्टार्ट होती है और हम देखते हैं कि रिक और बाकी लोग पिछले 8 महीने से भाग रहे हैं, जब से इन सब ने हर्षल का फार्म छोड़ा है। और दुनिया और भी ज़्यादा खतरनाक हो चुकी है और इन सब की काफ़ी ज़्यादा बुरी हालत है, और ये सब किसी अच्छी जगह की तलाश कर रहे हैं। और साथ ही लॉरी प्रेग्नेंट है और कभी भी लॉरी अपने होने वाले बच्चे को जन्म दे सकती है, तो इसी के लिए रिक कोई सेफ जगह ढूंढ रहा है। कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि रिक और डेरिल खाने की तलाश में जाते हैं, और तभी रिक और डेरिल को एक प्रिजन दिखाई देता है, और ये वही प्रिजन है जो कि सीजन 2 के एंड में हमें दिखाया जाता है। इसके बाद रिक और बाकी सभी प्रिजन के फैंस को काट कर घुस जाते हैं और प्रिजन के कोर्ट यार्ड में जितने भी ज़ॉम्बीज थे सभी को मार देते हैं। अब रात हो जाती है और सभी कैंप लगाते हैं, और रिक का मानना है कि हमें प्रिजन के अंदर बहुत सारी सप्लाई मिल सकती है और रहने की जगह भी, और ये जगह हमारे लिए गोल्ड माइन है। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि प्रिजन के अंदर बहुत सारे ज़ॉम्बीज हैं, और रिक कहता है कि हम सब कल सुबह प्रिजन को क्लियर करेंगे और एक अच्छा सा सेल ब्लॉक ढूंढेंगे जिसमें हम सब रह सकें। इसके बाद हम देखते हैं कि लॉरी रिक से बात करती है और कहती है कि क्या हम कुछ दिन कोर्ट यार्ड में रह सकते हैं, लेकिन रिक मना कर देता है। और इनकी बातों से ऐसा लगता है कि इन दोनों का रिलेशन सही नहीं चल रहा जब से शेन की मौत हुई है। इसके बाद सीन चेंज होकर अगले दिन पर आता है, जहां रिक और बाकी लोग इनर प्रिजन यार्ड को क्लियर करते हैं और सारे ज़ॉम्बीज को मार देते हैं। इसके बाद रिक और बाकी लोग एक सेल ब्लॉक तक पहुंचते हैं और वहां 2-3 ज़ॉम्बीज को मारने के बाद पूरा ब्लॉक क्लियर कर देते हैं, और लॉरी और बाकी लोगों को भी बुला लेते हैं। और अब रिक का ग्रुप कम से कम सही से 100 और रह सकता है। मीनवाइल हम एंड्रिया को देखते हैं जो कि सीजन 2 में ग्रुप से अलग हो गई थी और उसको एक मिशेन नाम की एक लड़की ने बचा लिया था। अब एंड्रिया मिशेन के साथ है, बट एंड्रिया की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और मिशेन उसको मेडिकेशन देती है, और ये दोनों इधर उधर भटक रहे हैं। एंड्रिया मिशेन को अकेला छोड़ने के लिए कहती है, बट मिशेन एंड्रिया को अकेला नहीं छोड़ती और दोनों किसी अच्छी जगह की तलाश में निकल जाते हैं जहाँ इनको खाना और पानी मिल सके। इधर प्रिजन में रिक, डेरिल, हर्शल, ग्लेन, टी डॉग एंड मैगी प्रिजन के दूसरी जगह को स्काउट करने की तैयारी कर रहे हैं ताकि उनको खाना, दवाइयाँ और हथियार मिल सकें। इसी बीच लॉरी डॉक्टर हर्शल से कहती है कि अगर मैं डिलीवरी के टाइम मर गई तो मुझे मार देना, क्योंकि सभी इन्फेक्टेड हैं और कोई भी किसी वजह से मरता है तो वो रीएनिमेट हो जाएगा। इसके बाद रिक और बाकी लोग निकलते हैं और प्रिजन में बहुत ज़्यादा अंधेरा होता है। सभी धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और कुछ दूर जाने के बाद इन लोगों को पूरा ज़ॉम्बीज का एक ग्रुप दिखता है जिसको देख सभी पीछे भागते हैं। और इसी बीच डॉक्टर हर्शल के पैर में एक ज़ॉम्बीज काट लेता है। इसके बाद रिक और बाकी सब डॉक्टर हर्शल को एक रूम में लेकर जाते हैं और रूम को ब्लॉक कर देते हैं। इसके बाद रिक जल्दी से डॉक्टर हर्शल का एक पैर काट देता है जिसमें ज़ॉम्बी ने काटा था, ताकि इन्फेक्शन उनकी बॉडी में ना फैल जाए और वो रीएनिमेट ना हो जाएं।
इसके बाद सभी डॉक्टर हर्षल की ब्लीडिंग रोकने में लग जाते हैं और डॉक्टर हर्षल बेहोश हो जाते हैं। इसे भी सब देखते हैं कि वो अकेले नहीं हैं, उस रूम में 5 और जिंदा प्रिजन उनको देख रहे हैं और ये देखकर सभी के होश उड़ जाते हैं। इसके बाद एपिसोड 2 स्टार्ट होता है और हम देखते हैं कि रिक डॉक्टर हर्षल को स्ट्रेचर पर लेकर अपने सेल ब्लॉक में वापस ले आता है और डॉक्टर हर्षल को देख सभी शॉक हो जाते हैं और उनकी ब्लीडिंग रोकने में लग जाते हैं। इधर वो 5 प्रिजनर्स रिक के ग्रुप को फॉलो करते हुए उनके सेल ब्लॉक तक पहुंच जाते हैं। इन प्रिजनर्स का नाम था टॉमस, एंड्रयू, विक्टिनी, एक्सल एंड ऑस्कर। और इसके बाद रिक, टी डॉग एंड डेरिल इन प्रिजनर्स को अपने ग्रुप से दूर रखते हैं और ये प्रिजनर्स बताते हैं कि वो लोग 10 महीने से यहाँ बंद हैं और उनको नहीं पता कि बाहर की दुनिया ख़त्म हो चुकी है। और रिक टॉमस को बताता है कि अब बाहर कुछ नहीं है, ना आर्मी, ना हॉस्पिटल, कुछ भी नहीं, बस ज़ोंबीज हैं और चारों तरफ तबाही है। इसके बाद रिक सभी प्रिजनर्स को बाहर का नज़ारा दिखाने ले जाता है, लेकिन टॉमस रिक से कहता है कि यह हमारा प्रिजन है, हम यहाँ पहले से हैं। लेकिन रिक टॉमस को समझाता है कि हम तुम्हारे लिए भी एक सेल ब्लॉक क्लियर कर देंगे जहाँ तुम सब सेफ रह सको और सप्लाई स्प्लिट कर लेंगे। और रिक साथ ही टॉमस को वार्निंग देता है कि अगर तुम मेरे लोगों के पास दिखे भी तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। इस पर टॉमस रिक की बात से सहमत हो जाता है। इसके बाद रिक उन प्रिजनर्स से आधी खाने पीने की सप्लाईज ले आता है। इसके बाद लॉरी रिक से पूछती है कि तुमने उन प्रिजनर्स के बारे में क्या सोचा है। इस पर रिक कहता है कि वो उन सब पर ट्रस्ट नहीं करता और अगर उन्होंने कुछ गलत किया तो वो उन्हें जान से मार देगा। इसके बाद रिक, टी डॉग एंड डेरिल इन प्रिजनर्स को एक सेल ब्लॉक क्लियर करने से पहले ट्रेनिंग देते हैं कैसे उन्हें ज़ोंबीज को मारना है। लेकिन इन प्रिजनर्स की बातों से लगता है कि ये सभी ज़ोंबीज को हल्के में ले रहे हैं। इसके बाद रिक और बाकी सभी दूसरा सेल ब्लॉक क्लियर करने निकल जाते हैं। कुछ दूर चलने के बाद कई सारे ज़ोंबीज इनके सामने आ जाते हैं और सभी इनको मारने लग जाते हैं। और इसी बीच एक ज़ोंबी बिग टीनी को स्क्रैच कर देता है जिससे वो इन्फेक्टेड हो जाता है और टॉमस बिग टीनी को मार देता है जिससे रिक और बाकी सभी शॉक हो जाते हैं। इसके बाद रिक और बाकी सभी आगे बढ़ते हैं और एक लॉन्ड्री रूम तक पहुंच जाते हैं और उस रूम में एक डोर होता है और उसको खोलते ही बहुत सारे ज़ोंबीज उन पर अटैक कर देते हैं और सभी मिलकर उन ज़ोंबीज को मारने लगते हैं। और इसी बीच टॉमस रिक को 2 बार मारने की कोशिश भी करता है। सारे ज़ोंबीज मारने के बाद रिक को टॉमस पर गुस्सा आ जाता है और रिक एक मशेटी से टॉमस के सर पर वार करता है जिससे टॉमस की वहीं मौत हो जाती है। और ये देख एंड्रयू रिक को बेसबॉल बैट से मारने की कोशिश करता है लेकिन वो मिस हो जाता है और एंड्रयू बाहर कोर्टयार्ड में ज़ोंबीज के बीच भाग जाता है और रिक उसके पीछे भागता है और गेट को बंद कर देता है। इसके बाद ऑस्कर एंड एक्सल रिक के सामने सरेंडर कर देते हैं और रिक को बताते हैं कि वो टॉमस जैसे बिल्कुल भी नहीं है। इसके बाद रिक इन दोनों को एक क्लियर सेल ब्लॉक में छोड़ देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि डॉक्टर हर्षल धीरे धीरे ठीक हो रहे हैं और अपनी आंखें खोलते हैं जिससे सभी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। कुछ देर बाद लॉरी और रिक बात करते हैं और लॉरी रिक को थैंक्स करती है कि जो उसने सभी के लिए करा। इसके बाद दोस्तों एपिसोड 3 स्टार्ट होता है और हम देखते हैं कि मिशन और एंड्रयू एक शेल्टर ढूंढ रहे हैं और तभी उनको एक मिलिट्री का हेलीकॉप्टर दिखाई देता है जो कि पास ही के जंगल में क्रैश हो जाता है। एंड्रयू और मिशन क्रैश हेलीकॉप्टर के पास जाती हैं और मिशन देखती है कि सारे क्रू मेंबर्स मर चुके हैं बस एक को छोड़कर। तभी वहाँ कई सारे व्हीकल्स आ जाते हैं और मिशन एंड्रयू के साथ छुप जाती है और दोनों देखते हैं कि कई सारे लोग वहाँ आए हैं और उनके पास हथियार भी हैं। ये लोग वेल्स को बचाते हैं और बाकी क्रू मेंबर्स को मार देते हैं क्योंकि वो रीएनिमेट हो रहे थे और ये सब मिशन और एंड्रयू चुपचाप देखते रहते हैं।
तभी मिशेन के ज़ोंबी शोर करने लगते हैं, तो मिशेन अपने ज़ोंबीज़ को मार देती है। और तभी वहाँ पीछे से मल्ली डिक्सन आ जाता है, जो डैरिल का भाई था और सीजन वन से गायब था। और एंड्रिया मल्ली डिक्सन को देखकर शॉक से फेंट होकर गिर जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि ये सभी लोग एंड्रिया, मिशेन और वेल्स को वुडबेरी ले जाते हैं, जो कि एक छोटा सा टाउन है जहां 70 सर्वाइवर्स रह रहे हैं और वहां वेल सप्लाईज हैं। वहां एंड्रिया का ट्रीटमेंट किया जाता है क्योंकि वो काफ़ी बीमार थी। और तभी वहां मर्ली डिक्सन आ जाता है और मर्ली एंड्रिया से इंटेरोगेट करता है और अपने भाई के बारे में भी पूछता है। इस पर एंड्रिया कहती है कि मैंने उसको काफ़ी टाइम से नहीं देखा, हम लोग अटलांटा से निकलकर एक फार्म पर रुके हुए थे, फिर वहाँ ज़ोंबीज़ का अटैक हुआ था और मैं रिक के ग्रुप से अलग हो गई थी। और मर्ली रिक से काफ़ी नाराज़ भी है। इसके बाद मर्ली डिक्सन बताता है कि वो कैसे वुडबेरी तक पहुँचा और अब वो यहाँ के गवर्नर का राइट हैंड है। इसके बाद ये लोग गवर्नर से मिलते हैं, जो कि इनको वुडबेरी में रुकने को कहता है, लेकिन मिशेन गवर्नर से अपने सारे वेपन वापस मांगती है और यहाँ से जाना चाहती है। इस पर गवर्नर कहता है कि तुम कल सुबह निकल जाना, हमने तुम्हें बंदी नहीं बनाया है, तुम हमारे गेस्ट हो। लेकिन एंड्रिया और मिशेन को कुछ अच्छा नहीं लगता और वो यहाँ से जाना चाहते हैं। इसके बाद गवर्नर एंड्रिया और मिशेन को एक वुडबेरी का टूर करवाता है, जहाँ गवर्नर ने काफ़ी ज़्यादा टाइट सिक्योरिटी रखी हुई है और वुडबेरी काफ़ी सेफ है। इसके बाद गवर्नर एंड्रिया और मिशेन को एक रूम देता है, जिससे एंड्रिया काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस्ड लगती है। इसके बाद गवर्नर वेल्स से इंटेरोगेट करता है, जो कि हेलीकॉप्टर क्रैश में बच गया था। वेल्स गवर्नर को बताता है कि वो नेशनल गार्ड है रिफ्यूजी कैंप का, जो कि वुडबेरी से कुछ ही दूर पर है। उनके कैंप पर ज़ोंबीज़ का अटैक हो गया था और उसके साथ और भी गार्ड्समैन थे। इस पर गवर्नर वेल्स से प्रॉमिस करता है कि वो उसके बचे हुए साथियों को वापस ले आएगा। अगली सुबह गवर्नर एंड्रिया और मिशेन के साथ ब्रेकफास्ट करता है और उसे अपने चीफ एडवाइजर से मिलवाता है, जिसका नाम मिल्टन है। मिल्टन एंड्रिया से रिक के ग्रुप के बारे में पूछता है। इसके बाद गवर्नर मिशेल और एंड्रिया से कहता है, हमारे पास खाना है, दवाइयां हैं और हथियार भी हैं, हम एक कम्युनिटी बना सकते हैं। इसके बाद मिशेन एंड्रिया को वॉर्न करती है कि मुझे गवर्नर पर ट्रस्ट नहीं है, हमें यहाँ से जाना चाहिए। लेकिन एंड्रिया को वुडबेरी सेफ लगता है और वो मिशेन की बात पर एग्री नहीं करती। इसके बाद हम देखते हैं कि गवर्नर अपने आदमियों को लेकर रिफ्यूजी कैंप पर जाता है, जो वेल्स ने बताया था, और धोखे से वहां सभी बचे हुए सोल्जर्स को मार देता है और उनके हथियार और व्हीकल चुरा लेता है। इसके बाद गवर्नर अपने आदमियों के साथ वापस वुडबेरी आता है और वहां सभी से झूठ बोलता है कि वहां कैंप में कोई भी नहीं बचा हुआ था, और वुडबेरी के लोगों को यह एहसास दिलाता है कि वुडबेरी उनके लिए कितना ज़्यादा सेफ है। इसके बाद हम देखते हैं कि गवर्नर अपने प्राइवेट रूम में है और उसके सामने काफ़ी सारे टैंक्स हैं, जिसमें कई सारे ज़ोंबीज़ के सर हैं। और इसके बाद हम देखते हैं कि उसमें वेल्स का सर भी है। इसका मतलब गवर्नर ने वेल्स को मार दिया उसका यूज़ करके। और इस बात से हमें पता चलता है कि गवर्नर एक अच्छा आदमी नहीं है, वो एक शैतान है। एपिसोड 4 स्टार्ट होता है और हम देखते हैं वुडबेरी, जहाँ एंड्री और मिशेन रुके हुए हैं, लेकिन मिशेन को वुडबेरी के गवर्नर पर भरोसा नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं एंड्रिया को, जो कि मर्ली को बताती है कि तुम्हारा भाई डैरिल जिंदा हो सकता है, और मर्ली गवर्नर से बात करता है अपने भाई को ढूंढने के लिए, और वो अकेला ही जाना चाहता है। इधर एंड्रिया गवर्नर के साथ ड्रिंक करती है और गवर्नर एंड्रिया को वुडबेरी में रुकने के लिए कहता है। और इनकी बातों से ऐसा लगता है कि एंड्रिया गवर्नर को लाइक करने लगी है। और जाते जाते गवर्नर अपना रियल नेम एंड्रिया को बताता है, फिलिप। इसके बाद सीन चेंज होता है और प्रिजन पर आता है, जहां रिक अपने ग्रुप से इस प्रिजन को अपना घर बनाने के लिए बात कर रहा है।
तभी वहाँ एक्सल और ऑस्कर आ जाते हैं और रिक को बताते हैं कि हम उस सेल ब्लॉक में नहीं रह सकते क्योंकि वहाँ कई सारी लाशें सड़ रही हैं, और रिक से उनको अपने ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए कहते हैं। लेकिन रिक एक्सल और ऑस्कर को मना कर देता है क्योंकि रिक को इन दोनों पर भरोसा नहीं है और ये दोनों इनके ग्रुप के लिए खतरा भी बन सकते हैं। तो रिक अपने ग्रुप से बात करके इन दोनों को प्रिजन के कोर्ट यार्ड में बाहर रहने के लिए कह देता है, जहाँ ये उसके ग्रुप से दूर रहेंगे। इसके कुछ देर बाद हम देखते हैं कि डॉक्टर हर्शल अब चलने लगे हैं अपना एक पैर खोने के बाद, और ये देख सभी काफ़ी ज़्यादा खुश हैं और कोर्ट यार्ड में हैं। लेकिन तभी प्रिजन के कोर्ट यार्ड में बहुत सारे ज़ोंबीज आने लगते हैं और ये देख सभी घबरा जाते हैं। लेकिन रिक और डेरिल कोर्ट यार्ड के बाहर थे तो लॉरी, काल और मैगी किसी तरह ज़ोंबीज से लड़ते हैं और उनको शूट करते हैं, और डॉक्टर हर्शल और बेथ एक सेफ जगह पर चढ़ जाते हैं। इसका मतलब किसी अनजान आदमी ने वहाँ कोर्ट यार्ड का गेट खोल दिया था। इसके बाद हम देखते हैं कि टी डॉग गेट बंद कर रहा था जहाँ से ज़ोंबीज आ रहे थे, और तभी एक ज़ोंबीज पीछे से आकर टी डॉग को बहुत बुरी तरह काट लेता है, और टी डॉग कैरोल को बचाते हुए प्रिजन के अंदर भागता है। इधर हम देखते हैं कि लॉरी, काल एंड मैगी सेल ब्लॉक सी में भागते हैं, बट वहाँ भी बहुत सारे ज़ोंबीज होते हैं और ये तीनों प्रिजन के और ज़्यादा अंदर तक चले जाते हैं। इधर रिक और डेरिल कोर्ट यार्ड तक पहुँच जाते हैं और वहाँ सारे ज़ोंबीज को मार देते हैं, और तभी प्रिजन का अलार्म एक्टिवेट हो जाता है जिससे बहुत ज़्यादा ज़ोंबीज प्रिजन की ओर अट्रैक्ट होने लगते हैं। इसके बाद रिक एलिक्स और ऑस्कर की मदद से जनरेटर रूम तक जाता है ताकि अलार्म को बंद किया जा सके, और वहां पहुंचकर इन्हें एंड्रयू मिलता है जो एक प्रिजनर था और बाहर भाग गया था और उसी ने ये सब करा था। एंड्रयू रिक को मारने की कोशिश करता है बट तभी ऑस्कर एंड्रयू को मार देता है और गन वापस रिक को दे देता है। इसके बाद ये लोग किसी तरह अलार्म को बंद कर देते हैं। इसी बीच हम देखते हैं कि टी डॉग और कैरोल ज़ोंबी से घिर जाते हैं, और टी डॉग कैरोल को बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर देता है और कैरोल वहां से सेफली निकल जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि काल, लॉरी और मैगी को कवर करते हुए एक बॉयलर रूम तक पहुंचते हैं जहां लॉरी को एहसास होता है कि उसके बच्चे की डिलीवरी होने वाली है, और इसके बाद मैगी लॉरी की मदद करती है, लेकिन लॉरी बच्चे को जन्म नहीं दे पा रही क्योंकि वो बहुत वीक है। तभी लॉरी मैगी से कहती है कि वो उसका पेट काटकर बच्चे को जन्म दे, ये जानते हुए भी उसकी मौत हो जाएगी। लेकिन काल ये बात सुनकर रोने लगता है और ऐसा करने से मना करता है, लेकिन लॉरी काल को समझाती है और अपने डैड का ध्यान रखने के लिए कहती है। इसके बाद मैगी लॉरी की बात मानती है और बच्चे को सेफली डिलीवर कर लेती है, लेकिन यहाँ लॉरी की मौत हो जाती है। इसके बाद मैगी काल से वहाँ से चलने को कहती है, बट काल कहता है कि मैं अपनी मॉम को ऐसे नहीं छोड़ सकता क्योंकि वो रीएनिमेट हो जाएंगी, और इसके बाद काल लॉरी को शूट कर देता है जो कि बहुत ज़्यादा इमोशनल सीन था। इसके बाद हम देखते हैं कि रिक और बाकी सब कोर्ट यार्ड में वापस आते हैं इस उम्मीद में कि लॉरी, काल और मैगी वापस आ गए होंगे, बट डॉक्टर हर्शल बताते हैं कि यहाँ अभी तक कोई भी नहीं आया। और तभी वहाँ दूसरे सेल ब्लॉक से काल और मैगी वापस आते हैं और उनके हाथ में एक बच्चा भी था। रिक काल और मैगी से लॉरी के बारे में पूछता है बट वो कोई भी जवाब नहीं देते, और रिक को समझ आ जाता है कि लॉरी अब इस दुनिया में नहीं रही, और वो बहुत बुरी तरह वहीं रोने लगता है, और काल और बाकी सब भी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। और ये सीन इस पूरी टीवी सीरीज का अभी तक का सबसे इमोशनल सीन था, और इसी के साथ एपिसोड 4 यहीं ख़त्म हो जाता है। तो अब देखना होगा कि एपिसोड 5 में होता क्या है, और उसके लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि मैं अगली वीडियो जब भी डालूं तब आपको पता चल जाए।